हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से दोस्तों यह गति विज्ञान एवं जैव यांत्रिकी विज्ञान यानी कि किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें से न्यूटन्स लॉ, लीवर, संतुलन क्या है एंड प्लेन एंड एक्सिस क्या है, इन सभी शारीरिक गतियों से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंड दोस्तों, यह पार्ट नंबर 3 है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीएलटी, राजस्थान पीटीआई, डीएसएसपी किसी का भी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। एंड 100 से ज्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन पर बनाए गए हैं। एंड दोस्तों, डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो दोस्तों, बेहतर तैयारी करना है तो मेरे चैनल पे डेली बेसिस से बन जाइए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंडों का वेग होता है, तो दोस्तों एक समान होता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो दोस्तों चंद्रमा पर भार 10 केजी होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर को अक्षों में विभाजित किया गया है, कितने अक्षों में विभाजित किया गया है, इसको 3 अक्ष यानी एक्सिस में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दोस्तों? फ्रंटल एक्सिस, सेजिटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। इसके बारे में दोस्तों मैं डिटेल में वीडियो बनाई हूँ, उसको प्लेन एंड एक्सिस वाले वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। उसको देखने के बाद आपको YouTube पर कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जैसा मैंने उसको डिटेल में बताया है, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर को कितने तल में विभाजित किया गया है, तल यानी कि प्लेन में, तो दोस्तों शरीर को प्लेन और एक्सिस दोनों में 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो कितने तल यानी कि प्लेन में विभाजित किया गया है, 3। कौन कौन से दोस्तों तल है यानी प्लेन है? सेजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। सेजिटल प्लेन जो होता है उसको लेटरल या मीडियल प्लेन भी बोला जाता है। जो सेजिटल होता है हमारे शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और इसकी गति जो होती है आगे पीछे होती है, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन। एंड जो फ्रंटल प्लेन होता है उसको क्रोनल या एंटीरियर और पोस्टीरियर प्लेन कहते हैं, जो शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है, और फ्रंटल प्लेन में गति दाएं बाएं होती है, जैसे एब्डक्शन एडक्शन। एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है वह उसे ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं, यह शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है और इसमें सभी घूर्णन व चक्रीय गति होते हैं, ठीक है, जितने भी रोटेटरी गतियां हैं जैसे कि सुपाइनेशन, प्रोनेशन, डिप्रेशन, रिट्रैक्शन, ठीक है, इन्वर्सन, इवर्सन, ये सब गतियां होती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और दोस्तों, जहां जिस बिंदु पर तीनों प्लेन यानी तल मिलते हैं उसे सीजी पॉइंट यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट, कार्डिनल पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्डिनल पॉइंट बोला जाता है, जहां पर तीनों प्लेन एक साथ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकने पर पृथ्वी पर वापस क्यों आ जाती है, क्यों आ जाती है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्यों आ जाती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट है, महान वैज्ञानिक गैलीलियो प्रसिद्ध है, क्यों दोस्तों, क्यों प्रसिद्ध है? जड़त्व के नियम के कारण। किसके कारण प्रसिद्ध है? जड़त्व के नियम के कारण, क्योंकि जड़त्व के नियम के बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने ही बताया था, बाद में इसको न्यूटन ने ज्यादा स्पष्ट किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों जो जड़त्व का नियम है न्यूटन का, न्यूटन के 3 नियम है, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, जिस स्थान पर तीनों तल मिलते हैं, तीनों तल यानी फ्रंटल, सेजिटल, फ्रंटल और हॉरिजॉन्टल, उस स्थान को क्या कहा जाता है? उसको कार्डिनल पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्डिनल पॉइंट, ठीक है, शॉर्ट में इसको सीजी पॉइंट बोला जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है कार्डिनल पॉइंट को शरीर का क्या बोला जाता है? गुरुत्वीय मध्य बिंदु, ठीक है, गुरुत्वीय मध्य बिंदु यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट या कार्डिनल पॉइंट। नेक्स्ट है मानव शरीर क्रिया विज्ञान, मानव शरीर क्रिया आरंभ करने से पूर्व की स्थितियां हैं, तो यहां पे होगा मूलभूत प्रारंभिक अवस्था, शरीर रचनात्मक प्रारंभिक अवस्था, यहां पे ए एंड बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट है एक ही आकार के लोहे के गोले और फुटबॉल में जड़त्व अधिक है। दोस्तों एक ही आकार का है, एक लोहे का गोला है और एक फुटबॉल है, दोनों में किसमें जड़त्व अधिक होगा? तो आप देखकर ही जान जाएंगे, सुन के ही, तो लोहे के गोले में ज्यादा जड़त्व होगा क्योंकि उसका भार ज्यादा होगा। नेक्स्ट है स्त्रियों पुरुषों में गुरुत्व केंद्र बिंदु होता है एक समान होता है कि असमान होता है? तो दोस्तों स्त्रियों पुरुषों में जो गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है वह असमान होता है। कैसे असमान होता है दोस्तों अभी जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व केंद्र होता है ऊंचा होता है कि नीचा? दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में मैं डिटेल में बताया हुआ है दोस्तों किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर के, उन सभी वीडियोज को आप देख लीजिएगा। यानी स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व केंद्र होता है तो नीचा होता है, स्त्रियों का जो शरीर का गुरुत्व केंद्र होता है पुरुषों से नीचा होता है, जिससे स्त्रियां जो है संतुलन वाले क्रियाकलाप ज्यादा अच्छे से पुरुषों से ज्यादा कर लेती हैं। नेक्स्ट दोस्तों शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में न्यूटन के गति के नियमों की उपयोगिता क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन है खेल योग्यता के उच्चतम विकास के लिए एकदम दोस्तों, खेलों में चोटों से सुरक्षा के लिए, खेलों के कौशलों को क्षमता पूर्वक करने में, इन सभी में न्यूटन के गति के तीनों नियम का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी इन सभी में। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमने वाले आकाशीय पिंड हैं, तो कौन है दोस्तों? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये सभी ग्रह हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है संतुलित बल कहते हैं, तो दोस्तों संतुलित बल किसे कहेंगे? जिसका परिणामी बल शून्य हो उसको हम संतुलित बल कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है मानव गति विज्ञान की परिसीमाएं हैं, यांत्रिकी परिसीमाएं, दैहिक परिसीमाएं, मनोवैज्ञानिक परिसीमाएं, यह सभी, तो दोस्तों यहाँ पे यह सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गति विज्ञान लाभदायक है शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में कि शारीरिक उपचार में कि ए एंड बी दोनों में? तो दोस्तों ये इन दोनों में गति विज्ञान जो है यानी किनेसियोलॉजी लाभदायक है। नेक्स्ट है कौन से दैनिक जीवन के कार्य हैं जिसमें गति विज्ञान सहायक होता है? तो उठना, बैठना, चढ़ना, उतरना, कूदना, इन सभी कार्यों में यह लाभदायक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों सर आइजैक न्यूटन ने किस वर्ष गति के नियमों को प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों सर आइजैक न्यूटन ने कब गति के नियम तीनों नियमों का प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो इन्होंने 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में गति के तीन नियमों जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम प्रतिपादित किया था, ठीक है, तो गति के नियमों का प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है मानव शरीर में जोड़ों से संबंधित गतिविधियां हैं, प्रोनेशन, सुपाइनेशन, इनवर्सन, इवर्सन, तो दोस्तों ये सभी गतिविधियां जो है आपका जोड़ों से संबंधित है। जैसे प्रोनेशन जो होता है वह हमारा जो हम पेट के बल लेटते हैं, हमारा हथेलिया जमीन को फेस करती है, हमारा जो चेहरा होता है नीचे की तरफ होता है। सुपाइनेशन में क्या होता है, हम पीठ की तरफ लेटते हैं, हमारा चेहरा सामने आकाश की ओर होता है और हथेलिया ऊपर की ओर फेस करती है। एंड इनवर्सन में क्या होता है, हमारे पैर की उंगलियां नीचे की तरफ जाएंगी और इवर्सन में ऊपर की तरफ। ये सभी गतियां हैं आपके जोड़े से संबंधित, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाए जाने वाली मूलभूत संधियों की गतिविधियां हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशनल व सर्कमडक्शन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों फ्लेक्शन मतलब मोड़ना, यानी कि अपने हाथ को मोड़ेंगे, फ्लेक्शन फिर फैलाएंगे, एक्सटेंशन अपने हाथ को अपने कंधे के लेवल तक बगल में उठाएंगे, एबडक्शन एंड
फिर वापस लाएंगे तो एडक्शन, रोटेशन मतलब घुमाना, जैसे सर हमारा सिर घूमता है, सर्कमडक्शन, ये सभी गतियां क्या है, मूलभूत संधियों की गतिविधियां है, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, खेलों में क्रिकेट, डिस्कस थ्रो, भाला फेंक इत्यादि के उपयोग के समय शरीर से संबंधित उपयुक्त गति होना अनिवार्य है, एकदम हाँ दोस्तों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट दोस्तों, गति विज्ञान का केंद्र बिंदु माना जाता है मानव जैव यांत्रिकी विज्ञान को कि मानव अर्थशास्त्र को, तो दोस्तों मानव जैव यांत्रिकी विज्ञान को गति विज्ञान का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो जैव यांत्रिकी मतलब जीव और यांत्रिकी, यानी जैव मतलब गति विज्ञान, यानी कि जो हमारे शरीर की गतियां हैं, गति कर रहे हैं, जहां मुड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कैसी गति हो रही है इसके बारे में, और जैव यांत्रिकी यानी कि जो हम उपकरण गति प्रयोग कर रहे हैं, हमारे शरीर द्वारा उपकरण का किस प्रकार से उपयोग हो रहा है, वह जैव यांत्रिकी में अध्ययन किया जाता है। इसलिए गति विज्ञान का केंद्र बिंदु जो है मानव जैव यांत्रिकी विज्ञान है। नेक्स्ट है, गति के अध्ययन के साथ साथ गति उत्पन्न होने का अध्ययन किया जाता है, तो किसमें किया जाता है दोस्तों, बल गतिकी में, किसमें, बल गतिकी में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मांसपेशियां पाई जाती हैं, ऐच्छिक अनैच्छिक ए एंड बी, तो दोस्तों यहाँ पे ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां जिसे रेखी रेखित पेशियां भी कहा जाता है, जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती है, जैसे हमारा हाथ पैर के मांसपेशियां, हमको कोई सामान उठाना है तो हम हमारी इच्छा होगा तो हम उठाएंगे। अनैच्छिक मांसपेशी जो अरेखित पेशी होती है, वो हमारे आंतरिक अंगों जैसे कि हमारा अमाशय है, हमारा पाचन तंत्र, हमारा जो है लीवर कैसे काम करता है, हमारा अमाशय छोटी आंत बड़ी आंत, इन सभी के अंदर जो पेशियां पाई जाती है अनैच्छिक पेशियां होती हैं, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। एंड तीसरा होता है हृदय पेशियां, जो जीवन प्रयत्न काम करती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर की गति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, तो शरीर की गति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन है दोस्तों, तो गति विज्ञान। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा व खेलों में गति विज्ञान का महत्व है, ऑप्शन है शरीर संरचना के विभिन्न अंगों के कार्य करने में, खेलों में प्रभावी गति बनाए रखने में, खिलाड़ियों के निष्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने में, इन सभी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों को गति विज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता है, खेल चिकित्सा शास्त्र में, पारिस्थितिकी में, उद्विकासवादी जीव विज्ञान के अध्ययन में, उपरोक्त सभी में, तो दोस्तों यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक क्या है दोस्तों, न्यूटन है। क्या है, बल का मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि पृथ्वी पर किसी गेंद को लुढ़का दिया जाए तो वह रुक क्यों जाती है, इसका कारण क्या है, तो दोस्तों यदि आप कोई गेंद लुढ़का देते हैं तो क्यों रुक जाती है, आसन है पृथ्वी द्वारा गेंद के विपरीत लगने वाले बल के कारण, हवा के प्रतिरोध के कारण, तो दोस्तों हवा के प्रतिरोध के कारण और घर्षण बल के कारण और पृथ्वी द्वारा गेंद के विपरीत लगने वाले बल के कारण होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए एंड बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है, तो दोस्तों सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है, डाइन है। क्या है, डाइन है, ये ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, दोस्तों सीजीएस का फुल फॉर्म सेमी ग्राम सेकेंड होता है। क्या होता है, सेमी ग्राम सेकेंड। नेक्स्ट है, एमकेएस का पूरा नाम बताइए, एमकेएस का पूरा नाम होता है एमकेएस, एमकेएस का पूरा नाम क्या होगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है, एफपीएस का पूरा नाम क्या है, एफपीएस का पूरा नाम है फुट पाउंड सेकेंड। क्या है, फुट पाउंड सेकेंड। नेक्स्ट दोस्तों, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है, तो एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। नेक्स्ट है, एफपीएस में बल का मात्रक क्या है, तो एफपीएस में बल का मात्रक है पाउंडल, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड, और इसका मात्रक है एफपीएस में बल का पाउंडल, पाउंड नहीं पाउंडल। नेक्स्ट है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों हम समझे कि बल का मात्रक न्यूटन है, अगर सीजीएस में पूछेगा तो डाइन है, एमकेएस में पूछेगा तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और एफपीएस में पूछेगा तो पाउंडल, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक पास्कल एंड न्यूटन मीटर
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दोनों है, यहाँ पे ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों, कार रेसिंग की गाड़ियों के ब्रेक में किस सिद्धांत के अनुरूप तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसे बार्नौली की प्रमेय के सिद्धांत के आधार पर इसमें तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, त्वरण शून्य होने का अर्थ क्या है? तो दोस्तों त्वरण शून्य होने का अर्थ है वस्तु विरामावस्था में है, या वस्तु का नियम समान वेग से चलते रहना है। ठीक है, तो त्वरण शून्य है दोस्तों, यानी कि संवेग या उसमें गति शून्य है, त्वरण शून्य है, या तो वो विरामावस्था में रहेगी या तो वस्तु का नियम समान वेग से चलते रहना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है, न्यूटन के किस नियम को संवेग का नियम भी कहा जाता है? तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को संवेग का नियम भी कहा जाता है, और इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? त्वरण का नियम, संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम एंड बल के प्रतिफल का नियम, इतने नामों से जाना जाता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, संतुलन के प्रकार है। तो दोस्तों संतुलन तीन प्रकार का होता है, स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये सभी। दोस्तों इस संतुलन के बारे में जानने के लिए संतुलन वाला वीडियो आप देख लीजिए, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है दोस्तों, जैव यांत्रिकी विज्ञान में स्थायी संतुलन की शर्तें हैं। तो स्थायी संतुलन की शर्तें क्या है दोस्तों? यहाँ पे वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचा होना, वस्तु के केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर गुजरनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए एंड बी दोनों। तो दोस्तों यदि वस्तु का गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो होता है वह जितना ही नीचा होगा उस वस्तु का या व्यक्ति का जो संतुलन होगा उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, असंतुलित बल के उदाहरण हैं। तो रस्सा कस्सी, सड़क पर कार का चलना एक कैसा है? असंतुलित बल है का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है दोस्तों, लंबी कूद में जैव यांत्रिकी प्रयोग किस प्रकार लाभदायक है? तो कूदते समय शरीर की गति कैसे काम कर रही है, कूदने वाले के गुरुत्व केंद्र क्या है, शरीर की उछाल का कोण क्या है, इस सब को जानने के लिए जैव यांत्रिकी का प्रयोग लाभदायक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, प्रशिक्षक खिलाड़ियों को वीडियो दिखाकर क्या करता है? कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, सुधारने में प्रशिक्षण प्रदान करना। दोस्तों वीडियो दिखाकर क्या करेगा? कमजोरी पर ध्यान दिलाएगा और जो कमजोरी है उसको सुधारने पर प्रशिक्षण देगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है, किसी भी शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के प्रशिक्षक के लिए जैव यांत्रिकी विज्ञान का अध्ययन किया जाना आवश्यक है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सत्य होगा, सबके लिए, शारीरिक शिक्षक एवं खेलकूद के प्रशिक्षक के लिए जैव यांत्रिकी विज्ञान का अध्ययन अवश्य है, अध्ययन करना चाहिए, सत्य है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर में मांसपेशियों के कार्य हैं। शरीर के आवश्यक महत्वपूर्ण कार्य संचालित होते हैं। मांसपेशियों के आराम मिलने पर थके मानव को आराम मिलता है। मांसपेशियां शरीर को सुंदर और सुडोल बनाती हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर लगा गुरुत्व बल किस दिशा में कार्य करता है? सूर्य के केंद्र की ओर कि पृथ्वी के केंद्र की ओर? तो दोस्तों किसी वस्तु का जो लगा गुरुत्व बल होता है वह हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है। नेक्स्ट दोस्तों, चक्रीय गति किस जोड़ से संबंधित है? तो दोस्तों जो चक्रीय गति होती है वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को कहते हैं चक्रीय गति। दोस्तों जो हमारा कंधे और कूल्हे से रिलेटेड है, जो हमारा चारों तरफ घूम सकता है, ठीक है, इसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कंदुकखलिका संधि भी बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाथ को शरीर से दूर ले जाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एबडक्शन। ठीक है, अपने कंधे के लेवल पर को हाथ को उठाएंगे उसको एबडक्शन कहेंगे, फिर वापस अपने शरीर के पास लाएंगे तो उसको एडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शरीर को, हाथ को शरीर से दूर ले जाने को एबडक्शन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि दोस्तों सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये आपका
तीन वीडियो गति विज्ञान है, जो यांत्रिकी विज्ञान यानी किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स रिलेटेड है। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे सभी यहाँ पे हो गया। अब मैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से आपको स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड टेस्ट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को का प्रैक्टिस कराऊंगी। तो दोस्तों बेहतरीन तैयारी के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।